देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आप हमारे सामने हैं और देख रहे हैं भारत एट नाइन। दर्शकों, सोमवार को ये घटना का जिक्र आज हम करेंगे। गुरुवार को आज जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि योगी सरकार की लगातार कही जाने वाली एक बात मुझको आज याद आ रही है, जो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। योगी सरकार में, योगी राज में एक बात बहुत प्रचलित है कि अपराधियों को यहां रहने नहीं दिया जाएगा, अगर अपराधी जीना चाहते हैं तो ये राज्य छोड़कर चले जाएं। लेकिन योगी सरकार में, योगी राज में, जब मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये बात कहते हैं तो वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहते। आगे के शब्द जो है वो साइलेंट रहते हैं, वो खुलकर नहीं बताते कि इसकी जद में अब आम नागरिक भी आने लगे हैं। जी हाँ, मामला वही है जिसको लेकर आप सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, अखबारों से लेकर सोशल मीडिया सब पटे पड़े हैं। बात हो रही है कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, कड़ी दर कड़ी जोड़ती एक घटना की। जी हाँ, एक मामला है जो सामने है, नजरों के सामने है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आम आदमी आज सोच रहा है कि वो कर क्या सकता है। मैं कहूं तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप ये चीज देखें कि एक जिले का कप्तान, एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी यानी डीएम सामने बैठकर एक शख्स से अगर कहें कि मुकदमा मत लिखवाओ, मामला दर्ज मत करवाओ, तो वहां की कानून व्यवस्था को एक पोटली में बंद करकर गंगा जी के किनारे यूं फेंकना चाहिए कि वो वर्षों तक ना मिले। दर्शकों, ये बात इसलिए आज मैं दोबारा आपके सामने करने के लिए राजी हूं, हाजिर हूं, इसलिए क्योंकि मुझे मन से लगता है कि निलंबन शब्द का जो बार बार प्रयोग किया जाता है, सस्पेंशन, सस्पेंड शब्द का जो बार बार प्रयोग किया जाता है पुलिस वालों के लिए, वो सरासर गलत है। एक पुलिस वाला हत्या में लिप्त पाया जाता है, हत्या में शामिल पाया जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई और होता तो 302 में अभी तक अंदर जाकर चक्की पीस रहा होता, लेकिन पुलिस है, सस्पेंशन है, सस्पेंड कर दिया है, तरह तरह की बातों से इसको चादर उड़ाई जाती है। आपको एक बार फिर बता दूं दर्शकों की जिस तरीके से यहां पर गोरखपुर में बड़ा हत्याकांड हुआ है, मनीष गुप्ता को रात में पुलिस पहुंचती है 12:30 बजे और कहती है आईडी कार्ड दिखाइए। तीन लोग वहां पर मौजूद थे, दो ने आईडी कार्ड दिखाया, एक ने नहीं दिखाया क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं था। वो जब वहां से भागने की कोशिश की तो गिर गया और गिरने के दरमियान उसके ऐसी चोट लगी कि उसकी मौत हो गई। ऐसा कहना है इस राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी का। अब दूसरा तथ्य बताता हूं, पुलिस रात में पहुंची, उसने कहा आईडी कार्ड दिखाओ, इसी में एक मनीष गुप्ता नाम का शख्स था, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने पुलिस से पूछ दिया कि आप क्यों पूछ रहे हैं आईडी कार्ड के लिए, जिसको लेकर पुलिस वालों का गुस्सा इतने आसमान पर पहुंचा कि उन्होंने उसकी पीट पीट कर वहीं पर हत्या कर दी। मार्क्स जो है वो सर पर है जहां पर बंदूक की बट मारी गई है, बंदूक की बट मारने से इतनी ज्यादा चोट लगी कि उसकी मौत हो गई। तो एक पत्नी का अपना कॉन्सेप्ट है और जो पुलिस वाले हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो चुसे हुए आम के बराबर अपने आप को मानिए, क्योंकि आज मनीष गुप्ता की मौत हुई है तो कल किसी श्रीवास्तव की, परसों किसी मिश्रा की और उसके बाद किसी ठाकुर, ब्राह्मण, बिरादरी, एससी, एसटी या फिर किसी की भी मौत हो सकती है। क्योंकि पुलिस अगर आपके पास आ रही है वो ठोको की नीति अपनाती है, ठोको की नीति सिर्फ और सिर्फ अपराधियों पर काम नहीं करती, ठोको की नीति अब दरअसल हर किसी पर काम करने लगी है। इसी के साथ रात इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां पर सिर्फ हमारा मकान नहीं है, यहां पर कई मकान है, अगर एक मकान जलेगा तो सारे मकान जद में आएंगे। तो अगर सिर्फ अपराधियों की बात की जाए तो अपराधियों की तो गाड़ी पलटती ही पलटती है, लेकिन अब जो 6 पुलिसकर्मी जो हत्या के मामले में लिप्त हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं, क्या उनकी गाड़ियां पलटेंगी? क्योंकि उनके पास तो पहले से पुलिस की जीप मौजूद है, तो क्या पुलिस ही पुलिस की गाड़ी को पलट सकती है? और अगर पलट सकती है तो क्या इनके भी इनकाउंटर हो सकते हैं? लगातार ये सवाल है जो आपके सामने है और मैं आपसे कर रहा हूं, आपके मन में है, जो मैं आपके मन से निकालने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज एक और सवाल है जो पूछ लेना चाहिए, जिसको लेकर बात कर लेनी चाहिए कि हत्या हुई मनीष गुप्ता की, मीनाक्षी गुप्ता उन्हीं सीढ़ियों से, कमरा नंबर 512 की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बैठकर रोई, बिल की, बेचारी की क्या हालत थी? छोटा सा बच्चा था, उसके लिए पूछ रही थी कि अब पिता किसे बुलाएगी? ये सब वहां के दृश्य थे, लेकिन हमारी मीडिया ने, हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने इसको इवेंट बना दिया। हमारी मीडिया ने क्या कुछ किया, हमारी मीडिया ने किस तरीके से उसको एक गिद्ध के समान, उसको गिद्ध के समान उसको अपना एक शिकार बनाया और किस तरीके से चारों तरफ से मीडिया कर्मियों ने उस पर हमला बोल दिया। वो बेचारी कहती रही कि ऐसा मत करिए, उसकी मानसिक अवस्था क्या रही होगी, वो क्या सोच रही होगी जिसने अभी कुछ घंटों पहले ही अपने पति को खोया होगा। कुछ एक
रोज पहले ही उसने अपने पति को खोया होगा। और आज की बात करूं तो क्या ही होगा कि चार दिन पहले उसने अपने पति को खोया होगा, लेकिन मीडिया के कैमरे उसके सामने हैं, माइक उसके मुंह पर है और जो तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप इन विजुअल्स को देखिए कि मीडिया का क्या कुछ रवैया है। कहां और क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए आप लोग, पानी पानी करेंगे, पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल। याची जी, आपको कौन और कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहां और क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए आप लोग, पानी पानी करेंगे, पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल। याची जी, आपको कौन और कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहां ले जाने की? कहां और क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कौन लोग? रुक जाइए आप लोग, पानी पानी याची जी, आपको कौन और कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहां ले जाने की? कहां और क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कौन लोग? इसलिए जो ऊपर टॉप बैंड की पट्टी चल रही है उस पर साफ लिखा हुआ है कि ये पत्रकार हैं या गिद्धों की फौज। इसलिए सवाल लगातार जाहिर है कि ये क्या पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता नहीं है मेरी नजर में, ये सिर्फ टॉर्चर है जो बार बार दिया जा रहा है। आखिर क्यों एक महिला को जिसने अभी अपने पति को खोया है, जो उसके पति के पोस्टमार्टम कराकर बाहर आने की कोशिश कर रही हो, उसके पति को शव देखकर वो बाहर आई हो, या फिर उसको अभी अभी मालूम चला हो कि उसके पति की मौत हो चुकी है, उस महिला के सामने अगर आप माइक लगाकर ये पूछेंगे कि क्या कुछ घटना है, इसके बारे में ज्यादा अपडेट दीजिए, ज्यादा जानकारी दीजिए, तो आपको सिर्फ गिद्ध कहा जा सकता है, पत्रकार नहीं कहा जा सकता। या फिर वो किताब जिसमें ऐसा लिखा हो कि ऐसा करने को पत्रकारिता कहते हैं, तो उस किताब के हर एक अंक को, हर एक पन्ने को और उसके कवर सहित उस किताब को तत्काल रूप से आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पत्रकारिता की किताबों की जरूरत फिलहाल हिंदुस्तान में नहीं है। अब इसके अलावा एक और पट्टी आपको ऊपर दिख रही होगी जिसमें लिखा है कि यह क्या इवेंट है, यह इवेंट है, यह क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूं। जब भी कभी ऐसी घटनाएं या ऐसे कांड होते हैं तो ऐसे कांडों को लेकर बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम तरीके की कोशिश करती हैं कि कैसे इस मुद्दे को पूरी तरह से हाईजैक किया जा सके। दर्शकों, ये बिल्कुल जगजाहिर सी बात है कि कैसे इस मुद्दे को माफ कीजिएगा हाईजैक किया जा सके, ये सोचने की जो कोशिशें हैं विपक्षी पार्टियों की वो लगातार आगे रहती है। तो ऐसे में आज का ही मामला है जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मिलने पहुंचे इस परिवार से। मिलने का मतलब क्या था वो आपको स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। वही मतलब था जो हाथरस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर करना चाह रहे थे, वोटों की चाहत थी, बाकी तो सब बातें हैं, आधी आधी रातें हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो कुछ सपा का आज पूरा जो इवेंट चला जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे, वहां लोगों को सांत्वना दी, इसके साथ ही सरकार जो है वो अपराधियों को तो बचा रही है लेकिन आम आदमियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की, अच्छी बात है। इसके साथ ही जो वहां पर पीड़ित पक्ष है उसने भी अखिलेश यादव को अपना जो भी था मन की बात थी वो बताई सुनाई, अच्छी बात है। तमाम नेताओं को मेरा कहना है, मेरा मानना है कि नेताओं को मिलते जाना जाने रहना चाहिए, लेकिन बस मन की नियत जो है उसको साफ रखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें गलत क्या है? जो कुछ गलत है वो ये है कि उसके घर के बाहर जो मनीष गुप्ता जी जिसकी मौत हो चुकी है उनके भाई वहां पर खड़े हुए थे, और ऐसे में उनके भाई का कहना था कि ठीक है अखिलेश यादव यहां पर आए हुए हैं लेकिन आप जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हुजूम ना लगाएं, इसको एक राजनीतिक इवेंट ना बनाएं, सिर्फ अखिलेश यादव के सामने नारेबाजी करने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए इसको इतना बड़ा एक राजनीतिक कार्यक्रम की शक्ल ना दे। एक पत्नी है, एक बच्चा है जो अभी अभी उसको पता लगा है कि उसके सर से उसके बाप का साया छिन चुका है, एक पत्नी है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी मांग का सिंदूर माथे से हटाया है, उसको एक राजनीतिक स्टंट, एक राजनीतिक रैली, एक राजनीतिक परियोजना, एक राजनीतिक कार्यक्रम की शक्ल देने की कोशिश ना करें। अखिलेश यादव आए हैं, ठीक है, एक नेता है, मिलना चाहते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, सरकार के सामने कड़े जो उनके सवाल हैं वो रखना चाहते हैं, लेकिन
बाकी जो कार्यकर्ताओं समर्थकों ने किया वो बहुत गलत है। इसकी न्यूज वर्ल्ड इंडिया और भारत एट नाइन में मैं कावेंद्र चौहान इसकी निंदा करता हूं। आपको बता दूं, अखिलेश यादव जब अंदर थे तो सफाई कार्यकर्ता बाहर थे, नारेबाजी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये उनकी पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे। और उस वक्त मनीष गुप्ता के भाई उनको बाहर मना करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये मनीष गुप्ता के घर की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव अंदर जब मुलाकात कर रहे थे मृतक के परिजनों से, तब बाहर उनके घर के बाहर यही पार्टी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इससे खराब तस्वीरें आज क्या देखी जा सकती हैं, जहां पर अगर अखिलेश यादव अंदर बैठकर सांत्वना देने का काम कर रहे थे तो उन सांत्वनाओं को मैं झूठी सांत्वना कहूंगा, उन सांत्वनाओं को मैं मगरमच्छ के आंसू क्यों ना कहूं, उन सांत्वना देने के पल को मैं गलत नियत और राजनीतिक इरादे का नाम और संज्ञा क्यों ना दूं, आप मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले यही दो मुद्दे थे जो मैं आपसे आज बातचीत में कहना चाहता था। भारत एट नाइन के जरिए मैं यही दो बातें थी जो मेरे को सुबह से कटोच रही थी और मैं इंतजार कर रहा था कि कब रात के 9 बजेंगे और इन बातों को आपके समक्ष रखने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ये मनीष गुप्ता का जो मुद्दा हुआ है इसको लेकर तीन बातें स्पष्ट रूप से साफ कर देना चाहता हूं जो कि मेरी खुद की एडवाइस है। एडवाइस ये है कि जो 6 पुलिसकर्मी हैं उन पर किसी भी प्रकार की ये बकवास नहीं होनी चाहिए कि इनको सस्पेंड किया गया है, इनका निलंबन किया जा रहा है, ये सब बकवास नहीं होनी चाहिए। 302 लगनी चाहिए, 6 की 6 पर 302 लगनी चाहिए, तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए, ट्रायल स्टार्ट होना चाहिए और अगर दोषी हैं तो आगे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 302 लगाकर इन सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। इसके साथ ही जो सस्पेंशन है वो दरअसल डीएम का होना चाहिए और इस एसएसपी का होना चाहिए जो वहां बैठकर ज्ञान की गंगा बहा रहा था, जो वहां बैठकर भ्रष्टाचार की जो सीढ़ियां थी उनको चढ़ने की तमाम कोशिशें कर रहा था। साथ ही साथ उस कप्तान पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए जो दरअसल कप्तान ना होकर यहां पर साठगांठ कर रहा था। ये डीलरों के साथ किस तरह की साठगांठ करते होंगे इस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही साथ इन डीएम और एसपी, इन दोनों अधिकारियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जाने चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी चीज कर रहे हों। इस तरीके की इस प्रवृत्ति का शख्स अगर है और अगर वो डीएम के पद पर या कप्तान के पद पर कार्यरत है तो तत्काल रूप से उनका जो वीडियो सामने आया है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया ये पुलिस को, यूपी पुलिस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताना चाहिए। साथ ही साथ अपने ट्विटर हैंडल पर जब बड़ी बड़ी उनकी कार्रवाई, यूपी पुलिस ने आज ये किया, यूपी पुलिस ने आज वो किया, तो इस चीज को भी सामने रखना चाहिए कि यूपी पुलिस ने इस जांच में क्या कुछ किया। इसके बाद एसपी और डीएम पर क्या कार्रवाई की गई इसको भी जनता को जानने का हक है क्योंकि ये एसएसपी और ये डीएम जो अगर ऐसे मासूम लोगों के साथ साठगांठ की बातें कर सकते हैं तो ये माफियाओं के साथ अंदर खाने करोड़ों की बातें करते होंगे, ये बात भी स्पष्ट साबित होती है। तो इन दोनों ही अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ सस्पेंशन की कार्यवाही भी होनी चाहिए। बाकी बचे वो 6 पुलिसकर्मी उनको तत्काल रूप से 302 लगाकर उनको सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। सस्पेंशन की बातें बकवास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि महज ये बकैती भर होती है। 6 दिन के बाद इनका क्या स्वरूप, क्या इनकी शक्ल होती है ये सभी को पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को भी चाहिए, महज कानपुर, गोरखपुर, इटावा, बरेली, कासगंज ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहा हूं, उनको चाहिए कि इसी मुद्दे को इतना भुनाएं कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव के रूप में एक बड़ा मुद्दा साबित हो और कानून व्यवस्था में सुचारू रूप से मूल चूल सुधार किए जा सके। आप उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर मनीष गुप्ता की मौत को लेकर जो पूरी कहानी है वो कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है। पूरी इस घटना का A to Z विवरण इस पैकेज के थ्रू हमने बनाया है जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसको आप देखिए और पूरे मामले को समझिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पुलिस की पिटाई से कानपुर के 36 वर्षीय व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई। आरोप है कि चेकिंग के दौरान चेकिंग की वजह पूछने पर पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी।
मनीष का कसूर बस इतना था कि उसने पुलिस कर्मियों से यह पूछ लिया था कि इतनी रात गए चेकिंग का यह कौन सा तरीका है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता रियल स्टेट का काम करते थे। वह हरियाणा से आए अपने दो दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। सोमवार की रात मनीष अपने साथियों के साथ जिस होटल में रुके थे, पुलिस वहां रात में 12:30 बजे चेकिंग करने पहुंच गई। पुलिस जिस समय चेकिंग करने पहुंची थी, उस समय मनीष कमरे में सो रहे थे। मनीष के दोनों दोस्तों ने अपनी आईडी पुलिस को दिखाई और मनीष को आईडी दिखाने के लिए चकाया। जागने के बाद मनीष ने अपनी आईडी भी दिखाई। आईडी दिखाने के बाद मनीष ने पुलिस कर्मियों से पूछ लिया कि इतनी रात चेकिंग का यह कौन सा तरीका है, क्या हम लोग आतंकवादी लग रहे हैं, आप बेवजह सोते इंसान को जगा कर परेशान कर रहे हैं। बस इतनी सी बात से पुलिस वाले आग बबूला हो गए। आरोप है कि रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर जैन सिंह और फलमंडी चौकी के इंचार्ज अक्षय मिश्र ने इतनी सी बात पर मनीष की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर मनीष को इतना पीटा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, मनीष अपने परिवार का इकलौता बेटा था और कुछ वक्त पहले ही मनीष के पिता की भी मौत हो गई थी। मनीष के परिवार में बूढ़ी माँ, एक पत्नी और उसका 4 साल का एक मासूम बच्चा है। इसी दौरान इन सब के बीच मनीष गुप्ता के परिवार के साथ डीएम और एसएसपी ने मीटिंग भी की। वहां उन्होंने जो कुछ कहा वो यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। एक वायरल वीडियो में परिजनों से अधिकारी ने कोर्ट में मामले लंबे चलने की बात कही है। साथ ही पुलिस के बात करने के लहजे पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो के बाहर आने के बाद से ही अब यूपी पुलिस की आलोचना हो रही है। मामले पर जानकारी देते हुए गोरखपुर के एसपी विपिन टाडा ने एक बयान में कहा है कि अपराधियों की तलाशी के दौरान रामगढ़ताल थाने की पुलिस एक होटल में गई थी। एक कमरे में अलग अलग शहरों के 3 संदिग्ध युवक ठहरे हुए थे। पुलिस टीम जब होटल मैनेजर के साथ वहां गई तो दहशत में कमरे में मौजूद एक व्यक्ति गिर कर घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज किया गया। बीआरडी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा। तीनों लोग यहां क्यों थे, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। चलिए आपको पहले वो वीडियो ही दिखा देते हैं जिसको लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे समझिए। घटना के बाद मंगलवार को 4 साल के मासूम बेटे अविराज गुप्ता को गोद में लिए मनीष की पत्नी मीनाक्षी बोल पड़ी, बेटे को उसके पिता की मौत के बारे में क्या जवाब दूंगी, अगर वह पुलिस बनना चाहे तो कैसे बनने दूंगी, लोगों की रक्षा के लिए बनी पुलिस ने ही मेरे पति की जान ले ली, क्या ऐसे ही सुरक्षा दे रही है पुलिस। मनीष की पत्नी ने कहा कि पुलिस के ऐसे ही काम होते हैं, जिस वजह से बच्चा तक पुलिस को देखकर डरता है और नफरत करने लगता है। मीनाक्षी के इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन जिसने भी उनकी बातें सुनी उसका कलेजा पसीज गया। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का कहना है कि उनके पति की पिटाई की गई। आखिर किस कानून के तहत पुलिस आधी रात को चेकिंग के नाम पर कमरे में घुस गई और फिर पिटाई कर मेरे पति को मार दिया। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस वालों ने समय से मनीष को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया। उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों ने घर पर जानकारी दी, जिसके बाद सुबह 5 बजे वह गोरखपुर पहुंची। मीनाक्षी का कहना है कि मनीष का शव देखने से ही लग रहा है कि कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है। शरीर पर कई जगह गहरे घाव इस बात की गवाही दे रही है कि गिरने से नहीं उन्हें पीट कर मारा गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है,
सब कुछ है, उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे का मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते में बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा पापा का बोला है, बात करा, कहां से बात करा? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद किसके लिए मुझे सोचना। एसएसपी ने पहले ही लापरवाही बरतने वाले रामगढ़ताल थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, जबकि मुख्यमंत्री अनुकंपा कोष से मृतक व्यापारी की पत्नी को 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया गया है। वहीं मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और उनके परिवार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से कहा है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, हम जांच करवा रही हैं और हम आपके साथ हैं। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो पक्षा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, तब मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो सबकी जवाबदेही तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस सब पर विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया है। सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मनीष को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सपा पदाधिकारियों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। वहीं आज सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। जो व्यापार वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। वहीं जब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, वहीं ये सब कुछ वाकया हुआ जहां कुछ सपाइयों ने उनके भाई के साथ भी धक्का मुक्की कर दी। आपको बता दें कि मृतक मनीष गुप्ता के भाई, उनके साथ कुछ सपाइयों ने धक्का मुक्की कर दी। ये सब कुछ वहीं पर सरेआम हर तस्वीर में कैद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। प्रियंका ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि गोरखपुर में एक कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे प्रदेश के आमजनों में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा इस सरकार में जंगल राज का ये आलम है कि पुलिस अपराधियों पर नर्म रहती है और आमजनों से बर्बर रहती है। क्योंकि उनका कहना था वो ऑन ड्यूटी है, सब लोग ऑन ड्यूटी में ऐसे नहीं होता है। पहले हम देखते हैं वो गुने हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, जो जो प्रोसेस बताया था, बट पर हमें तो करना था क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई थी। वो मुकदमा दाखिल नहीं कर रहे थे, ये उस समय का वीडियो है जब हमने उनमें से, उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ 2 का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, 3 का नाम हमें कन्फर्म है, जो वहाँ से हमें पता चल रहा है
रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो तीन नाम तो रखेंगे ही, बाकी जो तीन उनके साथ गए उनका अज्ञात नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में छह कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी, असलियत तो यही है, उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवारजनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, मैं हमारा नहीं दिया। आज भारत एट नाइन के कार्यक्रम के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि आरोपियों को सजा होती भी है तो क्या मनीष की कमी पूरी हो जाएगी। भारत एट नाइन में आज हम कहना चाहते हैं कि अगर मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलती भी है तो क्या उस मनीष की कमी खलना बंद हो जाएगी। आज भारत एट नाइन ये सवाल उठाता है कि अगर पीड़ित परिवार को करोड़ों का मुआवजा मिलता भी है तो क्या मनीष के बच्चे को उसके पिता का साया वापस मिल जाएगा। आज भारत एट नाइन ये कहता है कि क्या सरकार, प्रशासन, पक्ष, विपक्ष सब मिलकर भी मनीष की बूढ़ी माँ को उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा लौटा सकते हैं। हमें जरूरत है कि मनीष की मृत्यु को यूं ही राजनीति और खबरों का जरिया ना बनने दिया जाए, बल्कि इसके जरिए प्रशासन में मूल जूल सुधार किए जाए ताकि प्रदेश में किसी और मनीष को पुलिस की बर्बरता का शिकार होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो बाकी यही सब कुछ है जो आपकी आंखों के सामने है। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की ही है, और अब सवाल ये है कि गोरखपुर के एसएसपी साहब, गोरखपुर की वो डीएम साहब, ये लोग कब सस्पेंड होंगे, छह पुलिस वाले कब 302 लेकर पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद जेल के पीछे खुद जाएंगे, और अगर फरार हैं तो कब गाड़ी पलटेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके साथ आपको आज छोड़कर जाता हूँ। बाकी दर्शकों, एक मन में जहन में एक सवाल है जो बार बार आता है, जिसको पूछने को आज दिल भी चाहता है कि आखिर कब तक आम आदमी का यही हाल रहेगा, चूसा हुआ आम कब तक अपने आप को समझता रहेगा या समझा जाता रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आप जरा मन से ठहर कर ये सोचिएगा कि आखिर आप हैं कौन। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूँगा। शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।